हेलो गाइस, मैं हूं उसामा। वेलकम करता हूं आपको अपना चैनल टाक दी टेक में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कुछ इस तरह का प्रोफेशनल इंट्रो बना सकते हैं प्रीमियम प्रो में बहुत ही आसानी से, बिना किसी हाई फाई एडिटिंग किए। एक हम छोटी सी टेम्पलेट से बनाने वाले हैं, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो फाइल है लोगों की, सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ एक वेबसाइट है मिक्स किट के नाम से, वहाँ पर आपने जाना है सिंपली। तो यहाँ पर जाने के बाद आपने सिंपली अपना इंट्रो जो है वो ढूंढ लेना है और उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपने सिंपली इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। या डिस्क्रिप्शन से गूगल का लिंक है, वहाँ से भी आप इसको गूगल ड्राइव में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने ये जो प्रोजेक्ट है प्रीमियम प्रो का, इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है। तो मैंने इसको ओपन किया। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन होकर आ चुका है। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर जाना है और इंपोर्ट कर लेना है अपना जो भी लोगो है। लोगो इंपोर्ट कर लेने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर जाना है लोगो प्लेस होल्डर पे। सिंपली आपने यहाँ इस जगह पर डबल क्लिक करना है। जो ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ लोगो प्लेस होल्डर की एक अलहदा से कंपोजिशन आ जाएगी। सिंपली आपने यहाँ ऊपर चले जाना है कंट्रोल प्रेस करके, मैंने स्क्रोल अप, एंड देन यहाँ पर जाना है, अपने अपने लोगो को ड्रैग करना है और यहाँ पर आकर प्लेस कर देना है। फिर उसके बाद मैं गया यहाँ पर, इसको मैंने इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है और नीचे वाला लोगो जो है उसको मैंने रिमूव कर दिया है डिलीट प्रेस करके, और इसको मैंने सेलेक्ट किया। एंड देन यहाँ से आके स्केल में इसकी मैंने जो स्केलिंग है वो थोड़ी सी कम कर दी है, इसका साइज़ जो है वो कम कर दिया है। एंड सिंपली आपका जो इंट्रो है वो बस बन चुका है। इसको आपने क्रॉस कर देना है और जब आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे आपका इंट्रो जो है वो रेडी है। तो ये थोड़ा रेंडरिंग करेगा, यहाँ आप देख सकते हैं इंट्रो बन चुका है। अब सिर्फ आपने नीचे टेक्स्ट लगाना है। टेक्स्ट लगाने के लिए सिंपली आपने करना क्या है कि यहाँ जाना है विंडोज़ में और यहाँ पर होगा एसेंशियल ग्राफिक्स, इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर बनी बनाई टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल मेरा जो है वो ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बनी बनाई मुख्तलिफ किस्म की टेम्पलेट पड़ी हैं, जो भी आप यहाँ से यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ नीचे गया और मैंने इसको चूज़ कर लिया है। तो मैं यहाँ देखूंगा कि मेरा लोगो जो है वो कहाँ पर रिवील हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर जाने के बाद मेरा लोगो जो है वो रिवील हो जाता है। तो मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पर आके ड्राप कर दिया। एंड देन मैं इसको आगे लेकर गया, यहाँ पर इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया है और यहाँ पर जाने के बाद मैंने सिंपली नीचे आ गया हूँ। यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको मैंने चेंज करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया है और डबल क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया और नीचे वाले टेक्स्ट को आप सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके, या आप इसको रिमूव कर सकते हैं या अपना टेक्स्ट कोई और लिख सकते हैं। तो इसके बाद इसकी पोजीशन है, तो इसका साइज़ कम करने के लिए सिंपली आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से नीचे इसका साइज़ जो है वो कम कर सकते हैं सिंपली, जितना भी आप रखना चाहें। और उसके बाद आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो इसको ड्रैग करके यहाँ से नीचे ले आए अपने लोगो से नीचे। तो यहाँ पर आपने इसको प्लेस कर देना है और इसके बाद आपने सिंपली इसको रेंडर कर लेना है। तो रेंडरिंग के लिए आपने इंटर प्रेस करना है सिंपली, मैंने इंटर प्रेस किया, ये रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो रेंडरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपने सिंपली इसको जो ही प्ले करना है, तो आप देख सकते हैं कि लोगो आपका इंट्रो जो है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने सिंपली इसके पीछे जो भी आप अपनी ऑडियो लगाना चाहते हैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक में लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इंट्रो जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद सिंपली आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, यहाँ से जाना है फाइल पे, एंड देन यहाँ एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मीडिया पे जाना। एक्सपोर्ट मीडिया पे जाने के बाद आपने फाइल एलोकेट करनी है जगह जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहें। तो इस पर मैंने क्लिक किया है और जहाँ भी आप सेव करना चाहें वहाँ इसको जगह दे देनी है, एंड देन ओके कर देना है। तो यहाँ नीचे आ जाना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी।